ये देखिए जो मैंने डहलिया के पौधे लगाए हुए हैं, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करे थे। अगर आप भी डहलिया के पौधे कटिंग के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं तो आजकल इसको आसानी से लगा सकते हैं आप। ये जो होते हैं वैसे तो बल्ब से ग्रो होते हैं, आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग भी लग जाती है। जो इसमें नई ग्रोथ आती है यहाँ से, उसको आप कट करके अगर पौधों को लगा दें मिट्टी में तो वो ग्रो हो जाते हैं कटिंग। और ये देखिए मैंने फूल के पौधे कितने लगा रखे हैं। आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू भी हो जाएगा आज की वीडियो से मेरे गार्डन का, और आपको जो जानकारी लेनी है वो भी आपकी जानकारी मिल जाएगी आपको। सब्जियों के पौधे, फूल वाले पौधे किस प्रकार से अपने गार्डन में सेट कर सकते हैं। कुछ पौधे मैंने जो है छोटे जो अभी बीज से ग्रो करे थे और कुछ इसमें से कटिंग के थ्रू ग्रो करे थे। इसमें से जेरेनियम है, देखिए अभी इसमें देखिए कलियां स्टार्ट हो गई आनी। जेरेनियम में आप पानी की मात्रा कम करेंगे तो इसमें अच्छी जो है ग्रोथ भी होती है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। ये गुलाब का पौधा है, देखिए मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करा था। इसमें बहुत अच्छा जो है कलर आता है गुलाब का। ये थोड़ा सा पाली की वजह से थोड़ा ये भी खराब हो गया, नहीं तो इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अब आने वाले समय में 4-5 महीने इसमें अच्छे गुलाब खिलेंगे। देखिए एक जेरेनियम का मेरा ये भी है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो करा था। इसी प्रकार से मेरे और पौधे भी लगे हैं। ये देखिए इसमें भी देखिए अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गजनिया का पौधा है ये भी, मेरे पास गजनिया की भी 3-4 वेराइटी हैं। एक एक वेराइटी यह है, देखिए ये भी मैंने ऐसे छोटे जो टब है देखिए इसमें ग्रो कर रखा। और ये देखिए ये सबसे प्यारा पौधा लगता है मुझे। देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें कलियां भी आनी स्टार्ट हो गई है। इस पौधे का नाम है कलांचो। और देखिए इसमें कितनी अच्छी बडिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी जो है इसमें फूल 4-5 महीने अच्छे खिलते हैं इसमें फूल। और कुछ पौधे मैंने देखिए, ये मेरा जेट प्लांट का है, देखिए ये जेट प्लांट भी पूरा पेड़ हो गया है। पूरा जेट प्लांट में आजकल जो है आपको दिखेगा इसके जो है पत्ते गिर जाते हैं। जेट प्लांट के पत्ते जो गिरते हैं उसका कारण जो होता है इस समय जो है बसंत के बाद इसमें ग्रोथ अच्छी स्टार्ट होती है। ये फरवरी जो महीना चल रहा है इसमें इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आपका पौधा अगर सूख जैसा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पानी की मात्रा कम करिए और उसको पूरी धूप में रखिए तो जेट प्लांट आपका अच्छा चल जाएगा। और ये देखिए एक जेरेनियम का मेरा यह है, इसी की कटिंग मैंने कई जगह लगा रखी है और अपने जो रिलेशन वाले अपने पड़ोसियों को देते दी है मैंने इसकी कटिंग लगाकर। ये देखिए एक कटिंग मैंने इसमें ये भी लगा रखी, ये भी ग्रो होगी अच्छी। इसमें भी अच्छे फूल आते हैं, बंचे में फूल आते हैं इसमें भी। और जेरेनियम का जो पौधा होता है इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। पौधे में अगर आप सुबह सुबह पानी डालेंगे तो आपको ये खुशबू बहुत अच्छी लगेगी इसकी। और कुछ गुलाब के पौधे देखिए, मैंने ये गुलाब के पौधे भी लगाए हैं। इसमें मैंने कटिंग कर दी थी, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये कुछ गुलाब के पौधे देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 वैरायटी के गुलाब के पौधे हैं। ये देखिए ये गुलाब में देखिए कि कली जो आई थी पूरा फूल खिल नहीं पाया क्योंकि जो पाला पड़ रहा था उससे ये भी खराब हो गया। ये देखिए फूल खिल नहीं पाया, नहीं तो इसमें जो फूल जो खिलता है बहुत बड़ा आता है, करीब करीब 1 हाथ के बराबर इसमें फूल आता है। ये पाले की वजह से थोड़ा खराब हो गया है। और कुछ मैंने कटिंग जो लगाई थी, ये देखिए इंग्लिश रोज का प्लांट है मेरा, इसकी भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, उसका वीडियो मैंने बना रखा, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कैसे करते हैं। तो इस समय आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें जो ये मेरा देसी रोज का प्लांट है, इसमें भी देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और कुछ पौधे मैंने डायंथस के भी लगा रखे हैं। डायंथस में भी जो है बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है, बस इसके आप देख रहे ये करना है इसमें पानी की मात्रा कम करें और जो जो फूल सूखते रहते हैं उनको अगर आप तोड़ते रहेंगे तो इसमें आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। डायंथस का पौधा आप हैंगिंग बास्केट या गमले में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में चल जाता है। उसी प्रकार से मैंने पिटूनिया भी लगा रखा, ये देखिए ये पैंसी भी लगा रखा है। पैंसी के भी मेरे पास 4-5 पौधे हैं। एक ये देखिए ये सिंगल पेटल है ये देखिए, और ये डबल एक डबल पेटल में है नीचे, ये वाला ये डबल पेटल में है और ये सिंगल पेटल में है। सिंगल पेटल वाला भी अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं एक साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने और कौन कौन से फल और सब्जियों वाले प्लांट लगा रखे हैं।
ये देखिए मैंने सब्जियों में ये राई के जो पौधे लगाए थे, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अपने घर की ऑर्गेनिक अगर सब्जी घर में मिल जाए तो आपके जो सब्जी का स्वाद भी बहुत टेस्टी होता है। अगर अगर आप घर में अगर सब्जी लगाना चाहते हैं तो राई की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, इसको जरूर लगाएं। हरी सब्जी और पौष्टिक भी होती है और स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, और हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं तो और अच्छी हो जाती है। ये देखिए इसको राई को जो उगाते हैं, सबसे पहले जो बीज बोते हैं आप एक साथ बो सकते हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे पौधे इसमें से निकलते हैं उनको अलग ग्रो बैग में या कोई कहीं भी आपकी जगह है तो वहां लगाइए। उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। इसमें 3-4 इंच का आप फासला देंगे लगाने में, जैसे देखिए मैंने ये लगा रखा है, 3-4 इंच का फासला दे रखा है, उसके बाद ये ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि जड़ें जो फैलती हैं इसकी, अगर आप चिपका के लगाएंगे बिल्कुल तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। उसी प्रकार से देखिए आप जो है धनिया भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। धनिया भी बहुत जो है जरूरी चीज होता है, अगर हम सब्जी बना रहे हैं या कोई चीज भी बना रहे हैं तो उसमें धनिया का प्रयोग होता है, तो आप धनिया भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। इस प्रकार से मैंने देखिए छोटे ग्रो बैग में लगा रखा है धनिया। आप भी कहीं जो आपका छोटा ग्रो बैग है या गमला है या कोई भी चीज है उसमें आप धनिया लगा सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए मैंने जो है टमाटर भी लगा रखे। टमाटर भी जरूरी चीज होता है, जरूरी जो सब्जी होती है टमाटर भी उसमें से ही है एक, तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर की भी अच्छी ग्रोथ होती है। ये मैंने चेरी टमाटो जो लगा रखा था, ये चेरी टमाटो है, देखो इसके बीज मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। उसके बाद देखिए इसमें मैं हमेशा जो है चेरी टमाटो और जो हाइब्रिड टमाटो के जो पौधे होते हैं वो लगाते रहता हूँ, क्योंकि टमाटो जो है घर में अगर हो तो आप सब्जी वब्जी में यूज कर सकते हैं घर से ही, और ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ टमाटर होगा तो और स्वादिष्ट होगा। ये टमाटर इतना स्वादिष्ट होता है, अगर आप इसको देखिए जैसे मैं इसको तोड़ के ये इस प्रकार से देखिए ये पक रहा है हल्का हल्का, इस प्रकार से इसको खाकर देखिए स्वाद ही अलग आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ टमाटर है। मैंने टमाटर के भी जो हाइब्रिड भी लगा रखा, देखिए इसमें 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर ली है, और चेरी टमाटर से तो मैं हार्वेस्टिंग करते रहता हूँ। इस प्रकार से आप टमाटर भी लगा सकते हैं, और आप मिर्च का पौधे लगा सकते हैं। मिर्ची भी मैंने लगाई थी, अभी थोड़ा इसकी दोबारा बड़े ग्रो बैग में इसकी रिपोर्टिंग करके मैंने प्रूनिंग कर दी है। मिर्ची की प्रूनिंग कर देंगे तो उसके बाद इसमें अच्छी जो है ग्रोथ होती है और ज़्यादा मिर्च आपको मिल सकती है। और कुछ मैंने एक ग्रो बैग में देखिए भिंडी लगा रखी है, अभी बीज बो रखे, अभी कुछ दिनों में उगेंगे तो आपको उसका वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा जिस प्रकार से आप भिंडी भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो है फल के पौधे। फलों में मैंने ये देखिए अनार का जो पौधा लगा रखा, ये मैंने बीज से ग्रो करा था और इसमें मैंने 3-4 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली है, क्योंकि इसको पौधे को हो गया है 5 साल, और 5 साल में मैंने इससे 3-4 बार हार्वेस्टिंग कर ली है, क्योंकि जो बीज से ग्रो होता है अनार का पौधा उसमें कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। मेरे 3 साल में जो है इसमें फल आने स्टार्ट हो गए थे, शुरुआत में 1-2 फल आए, उसके बाद मैंने जब इसकी प्रूनिंग और इसकी इसको बड़े जो ड्रम में लगा रखा उसके बाद इसमें मैंने पिछली बार इसमें से मैंने करीब 20 या 25 दाने जो है अनार के मिल गए थे मुझे इसमें से। उसके बाद मैंने इसकी देखिए प्रूनिंग कर दी है। अनार के पौधे की प्रूनिंग कैसे की जाती है उसका भी वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको, आप उस तरीके से अनार के पौधे की प्रूनिंग कर लेंगे तो आप भी अच्छे अनार प्राप्त कर सकते हैं अपने पौधे से। और देखिए जो मैंने ये अमरूद का पौधा लगा रखा, ये देखिए कितना अच्छी वो इसकी ग्रोथ, इसमें जो खाद वगैरह दी थी उसकी वजह से इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है, और इसमें अब आने वाले समय में जो है अमरूद भी मिलेंगे खाने के लिए, क्योंकि अभी अमरूद का टाइम नहीं है, सीजन अमरूद का है, वैसे अमरूद का टाइम है अभी, लेकिन जो मैंने इसकी हार्वेस्टिंग अभी नहीं करी है, पहली बार इसकी हार्वेस्टिंग देखना चाहता हूँ मैं किस प्रकार से होती है, क्योंकि ये बीज से ग्रो है, ये भी बीज से ग्रो है। देखिए कितना अच्छा हो रखा है, देखिए प्लांट मैंने ड्रम में लगा रखा तब जाकर इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। देखते हैं इसमें से अगर फल होते हैं तो 3 साल तो हो ही गए हैं इसको, अब फल होंगे तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा किस प्रकार से इसके फल हो रहे हैं। और ये देखिए मेरे नीम का पौधा, थोड़ा अभी पतझड़ चल रहा था तो इसके सब सारे पत्ते झड़ गए हैं, उसके बाद मैंने इसकी इसकी भी प्रूनिंग कर दी है और इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की आना।
उसके बाद ये भी घना हो जाएगा। नीम का पौधा भी आप घर में लगा सकते हैं कभी, जैसे नीम के तेल की जरूरत हो, या नीम कई चीजों में फायदेमंद होता है, आपके पेट की बीमारियों के लिए कई चीजों में फायदेमंद होता है। नीम के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, नीम का पौधा भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये शिव जी भगवान को जो चढ़ाए जाते हैं पत्ते, ये इसको कहते हैं बेलपत्री। बेलपत्री का पौधा भी देखिए कितना बड़ा हो रहा है, ये भी मैंने ड्रम में लगा रखा। बेलपत्री जो है शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, इसका जो पत्ते होते हैं आपने सुना ही होगा, बेलपत्री का पौधा। बेल का जो है इसका फल भी होता है, उसमें से जो जूस निकलता है वो पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप बेल का पौधा भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में इसी प्रकार से। और ये देखिए मेरे जो कनेर का पौधा है, ये मैंने कटिंग से ग्रो करा था। कनेर का पौधा जो है कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं वो भी मैंने एक चैनल में अपने डाल रखा वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। कनेर दो प्रकार के हैं, एक मेरा जो है पिंक कनेर का पौधा है और एक ये देखिए येलो कनेर का पौधा। कनेर को ओलियंडर प्लांट भी कहते हैं, तो आप कनेर भी लगा सकते हैं उसी प्रकार से। देखिए ये मेरा जो है कड़ी पत्ते का पौधा है। देखिए कड़ी पत्ते की अब जो बसंत के बाद जो ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। उससे पहले इसमें कौन कौन सी खाद दी जाती है वो मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। कड़ी पत्ता अगर आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप उस वीडियो को देखकर उसमें खाद वगैरह उस प्रकार से देंगे तो आपके गार्डन में भी कड़ी के पत्ते का पौधा घना होगा। तो इस प्रकार से मैंने कई चीजें लगा रखी है, आयुर्वेदिक चीज। ये देखिए पुदीना चटनी भी बनाई जाती है इसकी, आयुर्वेदिक भी है। पुदीन हरा नाम से आप दवाई जानते होंगे, पुदीन हरा भी लगा, पुदीना भी लगा सकते हैं आप अपने गार्डन में। पुदीना भी जो है ये भी बहुत अच्छी चीज होती है स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैंने अपने गार्डन के ओवरव्यू आपको दे दिया है। आने वाले समय में मैं इसमें कुछ और प्लांट ऐड करूंगा, उसका वीडियो भी मैं आपको बनाकर दूंगा कि किस प्रकार से उसकी जो है ग्रोथ कैसे लेते हैं हर किसी प्लांट की। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, धन्यवाद।